डर एक ऐसी चीज है जो वास्तविकता में होती ही नहीं है। ये पैदा होती है हमारी कल्पनाओं में। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने डर पर जीत पा लेते हैं और अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीते हैं, और दूसरे वो जो डर में जी रहे हैं, अपने जीवन में वो कुछ कर नहीं पाते। उनका डर उनको हमेशा रोक कर रखता है और जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। जिस इंसान ने अपने डर को जीता वो जीतने से पहले ही जीत गया, और जो डर से हार गए वो आज भी कहीं अपनी किस्मत का रोना रो रहे होंगे। डर आपका जीवन बर्बाद कर देता है, डर आपकी खुशियों को बर्बाद कर देता है, अपने पसंद से जिंदगी नहीं जीने देता, जो चाहते हो वो करने नहीं देता। जो इंसान डरपोक होते हैं वो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर का डर उन्हें रिस्क लेने से रोकता है। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो जीत मिलेगी या हार गए तो सीख मिलेगी। कभी चलते बाजार में रुककर तेज चिल्लाकर देखना, नहीं चिल्ला पाओगे, क्योंकि अंदर से एक डर की आवाज आएगी, कहीं सामने वाला पागल ना समझ बैठे। लेकिन एक बार पागल बनकर तो देखो, अंदर से वो खुशी मिलेगी जिसे जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा। डर पर जीत पाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। दुनिया में 20% लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, लेकिन 80% क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि किसी काम को शुरू करना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा करना कोई हंसी खेल नहीं। जिस इंसान ने अपने डर को हराया है वही अपने लक्ष्य को पूरा करके 20% की लाइन में आया है। मैं जानता हूँ अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सीने में कुछ बड़ा करने की आग दहक रही होगी, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने वाला कोई आम इंसान नहीं होगा। और उन लोगों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, अगर तूने कुछ करने की सोची है तो रुकना मत, एक बार आगे कदम बढ़ा दिया तो पीछे मुड़ना मत, और जब तेरी आंखें खुली हैं तो चाहे दुनिया में फिर कोई भी आ जाए तू डरना मत।